बारह न्यायाधीश, मसीहा का दूसरा आगमन, रोमन रोमियो 10 चैप्टर 21 वर्स। परंत इस्राएल के विषय में वह यह कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाले और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। इस्राएली अवज्ञाकारी थे, परंतु यहोवा ने तब इस्राएल का इनकार नहीं किया। शाऊल ने कहा, मैं इस्राएल का पुत्र और इब्राहिम का वंश हूँ। भगवान ने अपने लोगों के अस्वीकार नहीं किया है। रोमियो 11 चैप्टर 1-2 वर्सेस। इसलिए मैं कहता हूँ, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इस्राएली हूँ, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूँ। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानने की पवित्र शास्त्र यिर्याहू के विषय में क्या कहता है? कि वह इसराइल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है। यीशु ने उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने और बीमारियां ठीक करने का अधिकार दिया। बारह शिष्य यहूदी थे। मत्ती 10 चैप्टर 1-4 वर्स। फिर उसने अपने बारह चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं का अधिकार दिया कि उन्हें निकले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। इन बारह प्रेरितों के नाम पे है। पहला शाइमन, जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई आंद्रियास, जबदी का पुत्र याकूब और उसका भाई यहन, फिलिपस और बर्तलोम, तोमा और महसूल लेने वाला मत्ती, इल्फई का पुत्र याकूब और तद्दाई, शाइमन कनानी और यहूदा इस्करियोतो, जिसने उसे पकड़वा भी दिया। मसीहा ने बारह शिष्यों से कहा कि वे इसराइल के बारह गोत्रों को न्याय करने के लिए बारह सिंहासनों पर बैठेंगे। मसीहा के दूसरे आगमन के समय यहूदिया का न्याय यहूदी न्यायाधीशों द्वारा किया जाएगा। मत्ती 19 चैप्टर 27-28 वर्सेस। इस पर पतरस ने उसे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए है, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, बारह सिंहासनों पर बैठकर इसराइल के बारह गोत्रों का न्याय करेगा। परमेश्वर ने इसराइल को राष्ट्रों का न्याय करने का अधिकार दिया है। परमेश्वर ने इसराइल का कभी इनकार नहीं किया। कृपया इसराइल के लिए प्रार्थना करें। बारह न्यायाधीश, मसीह का दूसरा आगमन। धन्यवाद।